महान एथलेटिक मिल्खा सिंह भले ही हमारे बीच अब न रहे हों, लेकिन ट्रेन एंड फील्ड में जो उनकी अग्रणी उपलब्धियाँ उन्होंने कभी नहीं भुलाया जा सकता। 91 वर्षीय मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ में शुक्रवार को रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। बता दें आपको, फ्लाइंग सिंह के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह 1960 में ओलंपिक में महज कुछ सेकंड के लिए पदक से चूक गए थे। उसी साल मिल्खा सिंह को पाकिस्तान में दौड़ने का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में देश के तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समझाने पर उन्हें पाकिस्तान जाने का फैसला लिया था। अपनी वापसी फिल्म के लॉन्चिंग के मौके पर उन्हें मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान दौरे को याद किया था। मुझे 1960 में पाकिस्तान से लाहौर में दौड़ने का आमंत्रण आया था, मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस रात सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह बंटवारे के समय मेरे माँ बाप भाई बहन को मारा जा रहा था। तब मेरा दिल दहल जाता था। मैंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मगर पंडित जी मुझे बुलाया और कहा कि मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश से खेल प्यार बढ़ाती है, भाईचारा करती है, हमने जाना है पाकिस्तान। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खालिब का जोर था, खालिक वहाँ के सबसे तेज धावक थे, दोनों ही बड़ी दौड़ हुई, मिल्खा के खालिक को हरा दिया था। पूरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाया। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्काल राष्ट्रपति फील्ड मार्शल याकूब खान ने फ्लाइंग सिख का नाम दिया। बकौल मिल्खा, मुझे आज भी वो दिन याद है जब बाघा बॉर्डर पर जो उन्होंने जीप के फूलों से सजाया हुआ था मुझे उन्हें खड़ा किया गया था। उस दौरान सड़कों के दोनों ओर लोग हाथ में तिरंगा और पाकिस्तान का झंडा लिए मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे थे। जब मैं लाहौर पहुंचा तो होटल में एक अखबार देखा, उसमें लिखा था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिब की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैं लाहौर स्टेडियम में पहुंचा तो 60,000 आदमी वहां मौजूद थे। वो सभी मिल्खा सिंह को खालिद का मैच देखने के लिए आए थे।